ठीक है, लिखो यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स पढ़ते हैं, देखो इट्स ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन। इट इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन। इट इज यूनिटलेस। इट इज यूनिटलेस। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो ना, यूनिट वेक्टर का पहले रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्मल वेलोसिटी वेक्टर मुझे बताना है, वो मैं इस तरह से बताता हूँ। इसका मतलब है वी वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर है। अगर इस वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं वी के ऊपर क्या लगा दूंगा, क्या? ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन। अगर इसका मतलब भी वेक्टर ही है ये, पर ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ? बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यही गलत फहमी है हमारी, वन। ये पहले अच्छे से ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड अभी क्या लिखा गया है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन। अरे नाम में ही है यूनिट, है ना, यूनिट वेक्टर, यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है? वन। समझ में आ रहा है? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड V होता, पर V कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये गलती बहुत करते हैं। V कैप का मैग्नीट्यूड V नहीं है, क्या है? 1। ये एक यूनिट वेक्टर है। समझ में आया क्या? कोई भी यूनिट वेक्टर होगा इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। A कैप मतलब यूनिट वेक्टर, B कैप मतलब यूनिट वेक्टर, I कैप, J कैप, K कैप, समझ रहे हो? ऐसे अगर कैप लगा देंगे उसका मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। अब सारी बुक्स ये वाला नोटेशन फॉलो नहीं करती। बहुत सी बुक्स होती हैं जो क्या करती हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर भी नॉर्मल एरो ही लगाती है ना, पर कुछ ना कुछ होता है जहाँ वहाँ पर जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, पर मैक्सिमम जगह ये नोटेशन फॉलो करा जाता है। क्लियर है क्या वाली चीज? ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है? डायरेक्शन बताना। जैसे मैं बोल दूँ, जैसे अभी अपन कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अब बड़ी दिक्कत होती है समझाने, भाई नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसकी जगह मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ? जैसे जो भी चीज़ नॉर्थ में जाएगी, मैं बोल देता हूँ नॉर्थ के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको एन कैप बोल देते हैं, एन कैप, और ईस्ट डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको बोल देते हैं ई कैप। ठीक है, अब मान लो कोई गाड़ी इधर जा रही है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है कोई चीज़ 60 किलोमीटर पर आवर से, मान लो कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में जा रही है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर मैं कैसे लिखूं? अभी तक क्या तरीका था, अपन बोलते थे अपन मैग्नीट्यूड बता देते थे पहले 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर क्या लिख देते थे आगे? इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी वेक्टर बन गया ना, 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। पर इससे आसान तरीका क्या है, हम सीधा क्या कर देंगे यहाँ पे? ई कैप, डायरेक्शन दिखाने के लिए ई कैप लिख देंगे। सेम ही चीज़ें अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो बार बार बोलते थे ना, हम डायरेक्शन बोल के बताते थे इन ईस्ट डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट वगैरह, उसको हम और भी ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं कि बिल्कुल मैथमेटिकली सारी चीज़ बता पाए। तो अब मैं ई कैप लिख दूंगा, इसका मतलब ही क्या हो गया? ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं एन कैप लिख देता इसका मतलब क्या हो जाता? तो हम सीधे बोल देंगे वेलोसिटी वेक्टर क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर ई कैप। आया क्या समझ में? जैसे मान लो अपर डायरेक्शन है ना, ये मान लो अपर डायरेक्शन है ना, ऊपर वाला, नॉर्थ ईस्ट नहीं कर रहा है ना, अपर डायरेक्शन है ये, मान लो ये अपर डायरेक्शन है ना, अपर डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, इसको बोल देते हैं यू कैप। मैंने कहा अपर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या बोल दिया? यू कैप। पहले तुम डिफाइन करो फिर उसके टर्म में लिखना चालू कर दो। समझ में आया? अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक बॉल को फेंका, एक बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, राइट इट्स वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। एक बॉल को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, और मैंने बता दिया है तुमको कि ऊपर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? यू कैप। तो बताओ इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी बताओ इसकी? कैसे लिखेंगे?
20 मीटर पर सेकेंड यू कैप। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं 20 मीटर पर सेकेंड इन अपर डायरेक्शन, क्या बोलूंगा मैं 20 मीटर पर सेकेंड यू कैप, उसका मतलब भी है ऊपर। अब सोचो अगर ऊपर के डायरेक्शन को यू कैप से दिखा रहा हूँ, अब नीचे के डायरेक्शन में मुझे अलग से एक और डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, माइनस का काम ही होता है वेक्टर में डायरेक्शन को रिवर्स करना। अगर यू कैप अपर डायरेक्शन में है तो माइनस यू कैप कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब पता ही है जब तुम बॉल को फेंकते हो, इतना तो पता है ना अभी काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, नीचे के डायरेक्शन में है ना एक्सेलरेशन कितना होता है ग्रेविटी के कारण 9.8 मीटर है ना। ग्रेविटी हर चीज को डीएक्सेलरेट या एक्सेलरेट करती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस यू कैप। देखो हमने उसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख दिया। अब यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। देख तो वो डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। लिखो इसे जल्दी से, और कुछ डाउट हो तो पूछो। ठीक है, देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इन 3D स्पेस। चलो ठीक है, देखो अब क्या होता है भाई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ये सब तो ठीक है, मतलब यहाँ पे यूनिट वेक्टर डिफाइन करना, हमारे पास एक तरीका होता है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू डायमेंशनल में हम एक्स और वाई एक्सेस दिखाते हैं, थ्री डायमेंशन में हम जेड एक्सेस भी दिखा देते हैं, और हमारी दुनिया थ्री डायमेंशन ही है। तो अगर मैं x, y, z तीनों के अलोंग एक एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दूं, तो फिर दुनिया के किसी भी डायरेक्शन को मैं उन तीनों से दिखा सकता हूं, समझ रहे ना। अरे इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी पॉइंट होगा x, y, z एक्सिस के अलोंग के, कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ही उसके, समझ रहे हो। जैसे प्लेन है, अगर मैं x और y ले लूँ, अगर मैं सिर्फ x और y एक्सिस मानूँ, ये प्लेन है, प्लेन के लिए दो डायमेंशन है, दो एक्सिस काफ़ी हैं। यहाँ पर मैं कहीं भी इस प्लेन में, इस बोर्ड में कोई भी पॉइंट ले लूँ, तो उसका कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब यहीं अगर मैं जेड एक्सेस ऐसी मान लूँ, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लूँगा तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ना तीनों एक्स कोमा वाई कोमा जेड, कहीं भी ले लो दुनिया में कहीं भी ले लूँगा, चाहे कितना भी लार्ज हो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो होगा, उनको मैं एक्स वाई और जेड के टर्म में बता सकता हूँ ना, दुनिया में कोई भी पॉइंट है। आ रही है बात समझ में। तो यूनिट वैक्टर्स के टर्म में भी अगर मैं इन तीनों डायरेक्शन में एक एक यूनिट वैक्टर डिफाइन कर दूँ, तो फिर मैं किसी भी डायरेक्शन को उन तीन यूनिट वैक्टर से बता सकता हूँ। वो कैसे बताते हैं वो अभी आगे सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। ये मान लो ये जेड एक्सिस है तुम्हारी, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम डिफाइन करते हैं आई कैप, या फिर कुछ लोग एक्स कैप भी लिख देते हैं सीधा, है ना, फर्क नहीं पड़ता। वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको के कैप। याद रखना ये तीनों क्या है तुम्हारे, यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल मतलब क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये तीनों, आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप एंड के कैप, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए ऑर्थोगोनल वर्ड यूज करा है हमने, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। याद रखना ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, तीनों के मैग्नीट्यूड 1 होंगे। ये मत लिख देना कभी मॉड ऑफ आई कैप इज आई, ये गलती हो जाती है कभी मत करना, यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। लिखो तो सही है तुम्हारा डाउट, क्या है कि अब दिक्कत क्या है हमारे पास, अभी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं है, तो हम लोगों को टू डायमेंशनल बोर्ड यूज़ करना पड़ता है, समझ रहे हो। अगर कुछ ऐसा होता होलोग्रामिक, हम यहाँ पे बना बना के ऐसे बता सकते तो फिर बहुत आसान हो जाता, समझ रहे हो। तब क्या है कि जेड एक्सिस बताओ, ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जो आई केप और जे केप दोनों के परपेंडिकुलर हो, कैसे बनाओगे, बाहर की तरफ ना। अब इसको मैं बाहर बनाऊं कैसे, दिक्कत ही हो रही है। तो मैंने क्या कहा, मैंने उसको ऐसे बता दी, मुझे लगा वो 3D डेप्थ का कुछ दे देगा तुम्हें आइडिया, तो समझ आ रहे बस, मैं वो ऐसे नहीं है, वो तो ये मत सोचो कि 120 डिग्री एंगल पे है वो, समझ रहे हो, वो बाहर की तरफ है जेड एक्सिस, है ना, दिखा रहा है बस, ऐसे दिखा रहा है। आया समझ में, ठीक बैठो। और कोई डाउट, अबे भाई लो, अबे इसको ग्रीन से क्यों लिखा है, ठीक है।
अब देखो, अब जो अगली चीज पढ़ रहे ना उसको बड़े ध्यान से देखना ना, क्योंकि पूरी फिजिक्स में बस हम यही गलती करते हैं वेक्टर में ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट निकालना वेक्टर के, है ना। लिखो एडिंग। अब भाई दो ऑप्शन है तुम्हारे पास आज, तो या तो आज सीख लो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं और अच्छे से सीख लो, कि तुम कहो कि मुझे वेक्टर के कंपोनेंट निकालने थे। अरे भाई पूरी फिजिक्स में तुम हर जगह कंपोनेंट ही कंपोनेंट निकाल रहे हो, वेक्टर्स को डील कर रहे होगे, तो तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है भाई। बिना मतलब ए बी सी डी आई पोएम लिख सकते हो क्या? मतलब ए बी सी डी अल्फाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए ना, ये अल्फाबेट्स है वेक्टर तुम्हारे। तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ या तो उसको समझ लो, कुछ भी करके समझ नहीं समझना है, जो भी डाउट है अभी ऑन द स्पॉट क्लियर कर लेना, बहुत डिटेल में बहुत आराम से पढ़ाऊंगा मैं।